नमस्कार दोस्तों, दीपास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा कूल कूल लीची जूस की रेसिपी। लीची जूस बनाने में काफी इजी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, लीची जो है वो हर सीजन में आसानी से मिल जाती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं हमें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे खाली पेट नहीं पीना है, खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद पी सकते हैं। और ये जूस हमें कूलिंग इफेक्ट और एनर्जी देता है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। लीची जूस के लिए मैंने ली है ठंडी सोडा बोतल और इसमें से मैं आधा ग्लास जितना लूँगी। लीची ली है 7, पीसी हुई चीनी 4 टेबल स्पून, नींबू का रस 1 टेबल स्पून, पुदीने के पत्ते 5 से 7, सेंधा नमक 1/4 टीस्पून और बर्फ के क्यूब्स लिए हैं 4। तो सबसे पहले मैं लीची को पील कर दूंगी, यानी कि इसका छिलका निकाल दूंगी और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और लीची का मैं इस तरीके से व्हाइट पल्प निकाल दूंगी और ये सीड है, इसे भी निकाल देना है। तो मैंने सारी लीची में से ये व्हाइट पल्प निकाल दिया है। अब ब्लेंडर में इसे ब्लेंड करना है। तो पहले डाला लीची का व्हाइट पल्प, फिर पुदीने के पत्ते, नींबू का रस, पीसी हुई चीनी, सेंधा नमक और बर्फ के टुकड़े। और अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि इसे पीसने में आसानी हो। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करूंगी। तो ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। छोटे छोटे लीची के पीसीस रह जाए तो कोई बात नहीं, जूस में ये अच्छे लगते हैं। तो अब इस लीची के जूस को सर्विंग ग्लास में डाल दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सोडा वाटर डाल दिया है ताकि जूस में थोड़ा फिजी इफेक्ट आ जाए। इसे गार्निश करना है पुदीने के पत्ते और नींबू स्लाइस से। तो तैयार है हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल लीची का जूस यानी कि शरबत। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।